एवरीवन वेलकम टू ऋतुकाज लाइफस्टाइल एंड किचन। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को स्ट्रॉबेरी ओरियो मूज की रेसिपी। ये बहुत ही यमी डेजर्ट है और बहुत क्विक बन के तैयार हो जाता है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में लगते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसे आप जब चाहे जैसे चाहे तुरंत बना सकते हैं, गेस्ट घर में आए हुए हैं उसके बाद भी आप इसे बनाकर और डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, ये है ओरियो बिस्किट जिसका मैंने क्रीम हटा दिया है, व्हिप्ड क्रीम है और स्ट्रॉबेरी है। तो ओरियो बिस्किट जिसका मैंने क्रीम हटा दिया उसे मैं एक ज़िपलॉक बैग में डाल दूंगी ऐसे। ये प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। इसे क्रश करना है, बिल्कुल पाउडर के रूप में बनाना है इसे। तो देखिए ये क्रश हो चुका है, बिल्कुल पाउडर के रूप में आ गया। अब स्ट्रॉबेरी को मैं फाइनली चॉप कर दूंगी। स्ट्रॉबेरी फाइनली चॉप हो चुकी है, मैं इसे फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। मेक श्योर आपकी स्ट्रॉबेरी खट्टी है तो उसमें शुगर जरूर ऐड करें। और फिर मैं ले रही हूँ 2 ग्लास, उसमें मैं डालूंगी ये सबसे पहले ओरियो का मिक्सचर दोनों ग्लास में और फिर मैं इसे सेट करूंगी, एक लेयर बना दूंगी इसमें इस तरीके से। तो देखिए दोनों ग्लासेस में लेयर बन चुकी है। अब मैं इसे भी रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद व्हिप्ड क्रीम को मैंने एक ऐसे ही ज़िपलॉक बैग में डाल के और उसे कट कर लिया है और इस पे मैं लेयर डाल रही हूँ व्हिप्ड क्रीम का। अगर आपके पास ये ज़िपलॉक बैग नहीं है तो आप स्पून से ही डालें और थोड़ा सा ध्यान से डालें और उसका लेयर तैयार कर लें एक। फिर इसे मैं एक लेयर का शेप दे दूंगी। अब मेरी स्ट्रॉबेरी भी ठंडी हो चुकी है, इसी तरीके से जूसी स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। आप चॉप करके रखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका इस तरीके से। और मैं एक बार फिर बोलूँगी कि स्ट्रॉबेरी मीठी रहे ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर मीठी नहीं है तो उसमें शुगर ऐड कर लें। फिर मैं स्ट्रॉबेरी का एक लेयर चढ़ा दूंगी उसके ऊपर। फिर से मैं एक व्हिप क्रीम का लेयर डालूंगी। बस अब इसे भी मैं थोड़ा सा स्पून से मिला दूंगी। और फिर से एक लेयर स्ट्रॉबेरी का डालूंगी। और मैं थोड़ा सा जो ओरियो बिस्किट का पाउडर रखी थी वो मैं ऊपर से डाल दूंगी। बस देखिए तैयार है आपका अमेजिंग स्ट्रॉबेरी ओरियो मूज बनके। और इसे बनने के बाद आप फ्रिज में थोड़ी देर रख दें, उसके बाद भी आप खा सकते हैं और बिना फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठंडी है। तो बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होता है बहुत जल्दी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।